देखो हम लोग अब तक मेन मेन जो बात पढ़े, एक कि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ये सब में काम आएगा। एक ये पढ़े कि जीएसटी का टाइप कितना है, सीजीएसटी एसजीएसटी जब विद इन द स्टेट हो, जिसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट, जब इंटर स्टेट हो तब आईजीएसटी, और यूनियन टेरिटरी हो तो सी और यूनियन सीजीएसटी और यूनियन जीएसटी। रेट पढ़े 5, 12, 18, 28, 3% ज्वेलरी पे, 0.25% रफ डायमंड पे भी पड़े। इसके अलावा यहाँ मेजर काम का बात हम लोग पढ़े थे कि जीएसटी का एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर नहीं है, तो अल्कोहल पेट्रोलियम इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं है। इंपोर्ट पे आईजीएसटी लगेगा, एक्सपोर्ट पे कोई जीएसटी नहीं है। या तो बॉन्ड फाइल कर लो, जीएसटी जमा मत करो, या फिर जीएसटी जमा कर लो, रिफंड क्लेम कर लो एक्सपोर्ट पे। इसके बाद एक पढ़े थे जीएसटी काउंसिल का थ्योरी और एक जीएसटीएन नेटवर्क का थ्योरी, जो उतना डिटेल में ज़रूरी नहीं है बताना। इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज पढ़े थे रजिस्ट्रेशन, तो MMNT मणिपुर मिजोरम नागालैंड त्रिपुरा में अगर तुम काम करते हो तो 10 लाख के नीचे अगर तुम्हारा सेल है तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। उत्तराखंड आसाम मेघालय सिक्किम अरुणाचल पुडुचेरी तेलंगाना इनमें करते हो तो 20 लाख, और हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर रेस्ट ऑफ द इंडिया में करते हो तो 40 लाख। सर्विस के केस में MMNT में 10 लाख, अदर 20 लाख। टर्नओवर कैलकुलेट करते समय एग्जम्प्टेड गुड्स को भी लेंगे, एक्सपोर्ट गुड्स को भी लेंगे। सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन ही ITC क्लेम कर पाएगा। और फिर पढ़े थे GST का रजिस्ट्रेशन नंबर 15 डिजिट का होता है, 2 डिजिट स्टेट का, 10 डिजिट पैन कार्ड, और बाकी 1 डिजिट एंटिटी नंबर, 1 अल्फाबेट होता है और 1 चेक डिजिट होता है। इसके बाद मेन काम का जो बात आया था कि GST में कंपोजिट स्कीम, जो 75 लाख के नीचे कुछ स्टेट में है, वही त्रिपुरा सिक्किम अरुणाचल नागालैंड मिजोरम मेघालय मणिपुर उत्तराखंड, और अगर आपको कंपोजिट स्कीम लेना अदर कोई स्टेट में तो 150 लाख यानी 1.5 करोड़ के नीचे का टर्नओवर होना चाहिए, 1% है मैन्युफैक्चरिंग और अदर सप्लाई ऑफ गुड्स पे, और 5% रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग के ऊपर। लेकिन RCM अगर आप कंपोजिट स्कीम लेते हो सर्विस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं था, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते, और GST कस्टमर से भी वसूल नहीं कर सकते अपनी जेब से, तो और ई कॉमर्स के ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं था। इसका फायदा क्या था, क्वार्टरली रिटर्न भरो, क्वार्टरली GST जमा करो, लेस कंप्लायंस मैनेज करो, और सिंपल फॉर्म है एकदम। ये सब बातें हम लोग लास्ट क्लास तक पढ़ लिए थे। आज आ रहे इनपुट टैक्स क्लेम के ऊपर, इसके ऊपर हम लोग सम्स कम कर चुके थे, हम इसको पढ़ा भी चुका था, लेकिन इसमें कुछ कुछ छोटा छोटा बात और पढ़ाना है, उसको बता रहे। आउटपुट IGST जो है वो इनपुट IGST, इनपुट CGST और इनपुट SGST तीनों से एडजस्ट हो सकता है। और ये बात नियम फुली ध्यान रखना कि पहले आउटपुट IGST को जीरो करना ही पड़ेगा, अगर ये जीरो नहीं है तो आप आगे C और S को एडजस्ट नहीं कर सकते। पहले आउटपुट CGST I से भी एडजस्ट होगा, C से भी होगा, बस S से नहीं होगा, और आउटपुट SGST I से होगा और S से होगा, लेकिन CGST से नहीं होगा। ये बात भी हम लोग पढ़ चुके थे। काम का बात अब नया पढ़ेंगे। इंपोर्ट GST, इंपोर्ट इनपुट GST लेना अलाउड है। अगर आप इंपोर्ट करके सामान ला रहे हो और IGST पेमेंट कर रहे हो तो उसका आप इनपुट क्लेम ले सकते हो जब आप उसको आगे बेचोगे। आप अगर RCM के नाम पे GST जमा की हो, या RCM के नाम पे GST क्या है, RCM के नाम का GST का इतना ही मतलब है बेटा कि जनरली GST सेलर जमा करता है, बट RCM कुछ सर्विसेज ऐसा है, कुछ गुड्स ऐसा है जिस पे GST सेलर नहीं बायर ही जमा करता है। तो उस केस में बायर अगर GST जमा कर रहा है और वही वो गुड्स आगे खुद भी बेच रहा है तो उसका इनपुट क्लेम ले सकता है। लेकिन एक नियम, पहले RCM जमा करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, उसके बाद ही क्लेम कर सकते। कंपनसेशन सेस, अगर तुम एज अ परचेजर दे रहे हो तो सेल करते वक्त अगर कंपनसेशन सेस सेल पे भी लग रहा है तो वहाँ इनपुट क्लेम ले सकते। कंपनसेशन सेस और किसी से एडजस्ट नहीं होगा, सिर्फ खुद से ही एडजस्ट।
अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात के ऊपर, कंडीशन टू क्लेम आईटीसी। आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी क्लेम कर पाओगे जब कुछ कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करो। नंबर ए, सप्लायर मस्ट बी रजिस्टर्ड। आईटीसी क्लेम वही कर पाएगा जो खुद रजिस्टर्ड है। देयर मस्ट बी एन इनवॉइस, एक प्रॉपर बिल होना चाहिए। ऐसे ही कैश में माल बेच दिया बिना किसी बिल के, उसका जीएसटी क्लेम नहीं कर पाएंगे। अब आता है दो इंपॉर्टेंट बात, सप्लाई मस्ट एक्चुअली बी रिसीव्ड। सामने वाले को गुड्स मिल चुका होना चाहिए और जीएसटी पेड होना चाहिए, तभी इनपुट क्लेम कर पाओगे। तुम जिससे खरीद के लाए हो वो जीएसटी तुमसे ले तो लिया लेकिन गवर्नमेंट को जमा नहीं किया, तो तुम उसका इनपुट क्लेम नहीं ले सकते। तो तुमको ये पहले चेक करना होगा कि वो पेमेंट किया है कि नहीं। सर ये चेक कैसे होता है? GSTR2B बोल के एक ऑनलाइन पोर्टल पे फॉर्म है, GSTR2B, उस पे डिटेल दिया हुआ रहता है कौन कौन सा तुम्हारा सप्लायर जीएसटी जमा कर दिया है, इस बात का डिटेल GSTR2B में लिखा रहता है जिसका तुम क्लेम ले सकते हो। तो जीएसटी पेड अगर होगा, और अगर सर लेट पेमेंट किया लेकिन पेमेंट कर दिया तो नेक्स्ट मंथ क्लेम करना। अगर तुम्हारा सप्लायर 11 तारीख के अंदर अंदर जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किया और 20 तारीख के अंदर अंदर जीएसटी जमा नहीं दिया तो तुम भी क्लेम नहीं कर पाओगे। तो तुम्हारा वो सप्लायर जीएसटी पेड कर देना चाहिए, ये कंपल्सन है। तो सर अगर वो लेट पेमेंट किया तो तुम उसके नेक्स्ट मंथ क्लेम कर लेना। सर ये कैसे पता चलेगा? वो भी नेक्स्ट मंथ के GSTR2B में दिखाई देगा। तुम्हारा सप्लायर अगर टाइमली रिटर्न फाइल नहीं किया तो तुमको भी जीएसटी क्लेम करने नहीं मिले। अच्छा, जीएसटी जमा इनपुट टैक्स क्रेडिट ले नहीं ले इस बात का प्रूफ तुमको देना पड़ेगा। जो पार्टी क्लेम कर रहा है इनपुट उसी को प्रूफ हमेशा रेडी रखना पड़ेगा। अगर प्रूफ नहीं होगा तो जीएसटी कैंसिल हो जाएगा। इफ रिसिपियंट फेल टू पे विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, जिसको गुड्स मिल रहा है वो अगर पार्टी को पेमेंट नहीं किया, मान लो हम सुदीप्तो से सामान खरीद के ला रहे हैं, तो हमको सुदीप्तो को 180 डेज के अंदर पेमेंट कर देना पड़ेगा। अगर नहीं किए तो जो इनपुट क्लेम हम सुदीप्तो से परचेज करते वक्त क्लेम किए इनपुट का वो कैंसिल हो जाएगा, वो हमको गवर्नमेंट को वापस से जमा करना पड़ेगा। तो सुदीप्तो को हमको 180 डेज के अंदर पेमेंट कर देना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। ये बात क्लियर है सबको? ये दो इम्पोर्टेंट कंडीशन कि जीएसटी पेड होना चाहिए और सुदीप्तो को भी हम टाइमली पेमेंट कर दिए विद इन 180 डेज। विदिन 180 डेज हमको सुदीप्तो को पेमेंट कर देना पड़ेगा। अगर हम 180 डेज में सुदीप्तो को पेमेंट नहीं किए, सुदीप्तो अगर इस बात का कंप्लेन फाइल कर दिया तो हम जो इनपुट क्लेम किए हैं वो पूरा रिवर्स हो जाएगा, हमको वापस गवर्नमेंट को जमा करना पड़ जाएगा। ये दोनों बात सबको क्लियर है? हाँ सर। हाँ, अगर अगर हम बाद में सुदीप्तो को पेमेंट कर दिए तो बाद में क्लेम कर सकते। If depreciation claimed on GST, then no ITC will be allowed. बहुत मस्त कंडीशन है, सुनना अच्छे से। हम एक मशीन खरीद के लाया 2 लाख का, हम 2 लाख का एक मशीन खरीदा पवित्रो से, पवित्रो मान लो उस पर 5% GST लिया मेरे से, कितना हुआ 2 लाख का 5%? 10,000 रुपया। तो पवित्रो मेरे से 2,20,000 का मेरे को बिल बना के दिया है ना। अगर हम अपने हम एज एसेट कितना रुपए रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में? ये मशीन था, हम मशीन कितना रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में? 2 लाख रुपीस। 2 लाख रुपीस, तब तो हम ये 20,000 का ITC क्लेम कर सकते हैं। अगर पूरा 220 लिख के पूरा 220 पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिए तो फिर ITC भूल जाओ।
यानी जीएसटी के वैल्यू पे या तो डेप्री क्लेम कर लो या आईटीसी क्लेम कर लो, दो में से एक चीज क्लेम कर सकते हो। तुम अगर 220 का पूरा एसेट रिकॉर्ड करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन फिर जीएसटी पे इनपुट क्लेम मत करना क्योंकि तुम 220 पे डिप्रिसिएशन क्लेम करने वाले हो। तो ये बहुत ही अच्छा चीज बोला है, इसको दिमाग में रखना। एक बात और है सर, इस महीना का आईटीसी हम नेक्स्ट महीना क्लेम करना भूल गए। इस महीना हम अंकिता से एक गुड्स परचेज करके लाए थे, इनपुट टैक्स क्लेम था, हम उसको आगे बेचे, आउटपुट टैक्स क्लेम हुआ, हम बिना इनपुट क्लेम किए आउटपुट का पेमेंट कर दिए, तो अब उस इनपुट का क्या होगा? कोई बोल सकता है? 20,000 रुपया का गुड्स हम खरीद के लाए अंकिता से जिस पे 5% जीएसटी था, 20,000 रुपया का गुड्स हम अंकिता से खरीद के लाया जिस पे 5% जीएसटी था, 1,000 का जीएसटी हमको इनपुट क्लेम के रूप में हम रिकॉर्ड किया था, वही 20,000 का गुड्स हम 25,000 में बेच दिया पवित्रों को, तो 25,000 पे 5% जीएसटी 1,250 रुपया हम पवित्रों से कलेक्ट किया। हमको 1,000 एडजस्ट करके 250 रुपया गवर्नमेंट को जमा करना चाहिए था, बट हम ऐसा नहीं किए, हम पूरा 250 रुपया पूरा 1,250 रुपया गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया। 1,000 का इनपुट क्लेम लेना भूल गया, अब उस इनपुट का क्या होगा बोलो आप? नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट मंथ में एडजस्टमेंट हो जाएगा उसका, नेक्स्ट मंथ हम क्लेम कर सकते हैं, है ना? बाकी लोग एक्टिव रहो। हाँ सर। अब हमको एक बात बोलो, नेक्स्ट मंथ फिर भूल गया, फिर नेक्स्ट मंथ भूल गया, क्या ये ऐसे अनलिमिटेड पीरियड तक चल सकता है? 18th मंथ सर। नहीं, तुम्हारा 21-22 का असेसमेंट ईयर है, तो अक्टूबर 2022 तक, यानी अप्रैल 21 से मार्च 22 का मेरा असेसमेंट ईयर है, प्रीवियस ईयर सॉरी, अक्टूबर 2022 तक, अक्टूबर में जब हम रिटर्न फाइल करेंगे, सितंबर 2022 का रिटर्न हम अक्टूबर में फाइल करेगा, उस तक क्लेम कर सकते हैं। अगर उसमें भी भूल गया तो आप जिंदगी भर के लिए भूल ही जाओ, मतलब 21-22 असेसमेंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का सॉरी, अगर फाइनेंशियल ईयर बोलो चलो, या असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर का कोई झमेला ही नहीं, 21-22 फाइनेंशियल ईयर का जीएसटी हम अक्टूबर 2022 का जो रिटर्न फाइल करेगा वहाँ तक क्लेम कर सकते हैं। अगर वहाँ तक भी भूल गए तो भैया इतने बड़े भुलक्कड़ हो तो जिंदगी भर के लिए भूल। यहाँ पर यह बात अब लिखा है, इफ फेल टू क्लेम आईटीसी देन कैन क्लेम इट लेटर ऑन टिल नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 28th अक्टूबर। ये बात समझ में आई? ये बहुत काम का बात है सम के लिए। ये था इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, पेमेंट ऑफ जीएसटी। जनरल रूल बोलता है जो लोग मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनको अगले महीने के 20 तारीख के अंदर अंदर जीएसटी जमा कर देना, यानी अप्रैल का रिटर्न जब हम मई में फाइल करेंगे तो मई 20 के अंदर हमको अप्रैल में जितना भी आउटपुट इनपुट एडजस्ट होने के बाद जीएसटी बचा है, अगर आउटपुट ज़्यादा है तो वो जमा कर देना चाहिए। वैसे ही मई का जून का जुलाई 20 के अंदर जमा कर देना चाहिए। तो अगर मेरा मंथली बेसिस है तो पेमेंट और मंथली बेसिस है तो डेट क्या है? नेक्स्ट मंथ का 20 तारीख। अगर हम कंपोजिट स्कीम में तो हम कब जमा करेंगे? क्वार्टरली। तो क्वार्टरली में मेरे पास टाइम होगा क्वार्टर खत्म होने के नेक्स्ट मंथ का 18th, क्वार्टर खत्म होने के नेक्स्ट मंथ का 18th। तो अगर जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर खत्म हुआ, अप्रैल 18 के अंदर वो 3 महीना में जितना कंपोजिट स्कीम के हिसाब से 1% या 5% वाला रेट के हिसाब से जो जीएसटी बनता है आउटपुट के ऊपर वो जमा कर देंगे। वैसे ही जुलाई अगस्त सितंबर का 18, अक्टूबर के अंदर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का 18, जनवरी के अंदर।
जीएसटी जनरली ऑनलाइन ही पेमेंट होता है, कैश पेमेंट या बैंक में जाके जमा करने का कोई स्कोप, चेक से पेमेंट करने का कोई स्कोप नहीं है। 10,000 रुपये से कम का अगर जीएसटी है तो तुम डिपार्टमेंट में जाके काउंटर पे जमा कर सकता है, कर सकता है, चॉइस है, करना पड़ेगा ही बोला। तो आज की डेट में सबको ऑनलाइन ही पेमेंट करता है, लेकिन 10,000 के ऊपर का जीएसटी है तो तुम कर सकता वाला कोई स्कोप में नहीं है, तुमको ऑनलाइन ही पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है? हाँ सर। यस सर। ये एक लाइन हम बाद में पढ़ेगा, इन जीएसटी आर थ्री पॉपुलेट लेजर्स आर मेंटेन, उसका बाद 2 मिनट बात करेंगे, पहले एक बात पेमेंट पे और करने। पेमेंट हम कैसे कैसे कर सकता है, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू, एनईएफटी आरटीजीएस के थ्रू, लेकिन ऑनलाइन एनईएफटी आरटीजीएस और या फिर अदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोड, ऑनलाइन जैसे भी हो तुम पेमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन के अलावा स्कोप नहीं। अब हम यहाँ पे एक लाइन बोला था, ये लाइन शॉर्ट नोट के काम का है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है, एग्जाम में आता है। जीएसटी के पोर्टल के ऊपर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है जीएसटी का, जीएसटीएन नेटवर्क, लास्ट डे पढ़े थे ना, जीएसटी का एक सॉफ्टवेयर है जीएसटीएन नेटवर्क, वहाँ पे 3 पॉपुलर लेजर मेंटेन होते हैं। क्या क्या? ये नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर। कैश लेजर में वो बैलेंस दिखाता है बेटा जो तुम कैश में जीएसटी का पेमेंट कर रहे हो, कैश में मतलब ओवर द काउंटर नहीं, इनपुट से एडजस्ट किया हुआ जीएसटी नहीं, खुद से जीएसटी जमा दे रहे हो, इनपुट आउटपुट एडजस्ट होने के बाद जो एक्स्ट्रा आउटपुट बच गया वो तुमको पहले ऑनलाइन अपने बैंक अकाउंट से पोर्टल पे डालना पड़ता है। मेरा बात अच्छे से सुन लेना, ये स्टेपिंग, ये प्रैक्टिकल बता रहे हैं, रियल लाइफ का। तुम पहले जीएसटी के पोर्टल पे जब रिटर्न फाइल करेगा, 30 तारीख वाला GSTR 3B, इनपुट आउटपुट का एडजस्टमेंट वाला रिटर्न, अगर तुम्हारा आउटपुट ज़्यादा आ रहा है इनपुट से, मान लो तुम्हारा टोटल आउटपुट आ रहा है 25,000 रुपया, टोटल आउटपुट जीएसटी आ रहा है 25,000 रुपीज, तुम्हारा इनपुट है 18,000 का, तो कितना खुद से और पेमेंट करना पड़ेगा, 7,000 है ना सर। तो वो 7,000 पहले तुमको वहाँ एक ऑनलाइन चलान क्रिएट होगा, जैसे तुम कॉलेज वर्ज का फीस भरते हो ऑनलाइन, वैसे चलान क्रिएट होगा, उस चलान के थ्रू तुमको तुम्हारा बैंक अकाउंट पे जाना पड़ेगा और वहाँ से ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे ही तुम अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करोगे 7,000 रुपया, जीएसटी के पोर्टल पे वो 7,000 आ जाएगा, जीएसटी के पोर्टल पे वो 7,000 आ जाएगा, किस लेजर के अंदर? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर तुमको जितना तुम्हारा ITC है, मेरा इस एग्जांपल में 18,000 वो शो करेगा, तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में तुमको तुम्हारा ITC शो करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में तुम जितना कैश में जीएसटी पेमेंट कर रहे हो वो एक्स्ट्रा 7,000 वो शो करेगा। जब पेमेंट करो पहले क्रेडिट दिखाई देगा, जैसे ही पेमेंट करोगे वो अपने आप एडजस्टमेंट ले लेगा। और लाइबिलिटी लेजर के अंदर तुम्हारा अभी भी कितना टैक्स पेएबल बाकी पड़ा है वो दिखाएगा। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट लेजर जीएसटी के सॉफ्टवेयर पे या पोर्टल पे अवेलेबल होते हैं। कैश लेजर में तुम जितना कैश में जीएसटी जमा कर रहे हो वो दिखाई देगा, क्रेडिट लेजर में तुम्हारा इनपुट्स दिखाई देगा। अब जब तुम सेट ऑफ करोगे GSTR 3B का रिटर्न फाइल करोगे, तब ये इनपुट और ये कैश लेजर दोनों एडजस्ट होके 0 हो जाएगा और तुम्हारा वहाँ पे पेमेंट अपने आप आउटपुट से एडजस्ट हो जाएगा, वहाँ अपने आप एडजस्ट होगा, आउटपुट का 25, कैश का 7,000, इनपुट का 18,000, पूरा सेट ऑफ होगा और 3B का रिटर्न फाइल हो जाएगा। हम दिखाएंगे पोर्टल पे ले जाके आपको। तो ये 3 लेजर पोर्टल पे अपने आप मेंटेन होती है, ये आपको शॉर्ट नोट में एग्जाम में बहुत काम करे, लेजर्स ऑफ GST, ये आपको शॉर्ट नोट में याद रखना। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। पेनल्टी फॉर लेट पेमेंट,
अगर आप जीएसटी लेट पेमेंट करते हो और 3 महीने से ज़्यादा लेट हो गए हो, देखो इंटरेस्ट तो लग ही जाएगा प्लस पेनल्टी भी लगेगी, कितना 10,000 रुपया और 10% ऑफ द टैक्स शॉर्ट पेड, जितना कम टैक्स जमा हुआ, 12,000 जमा करना था 8 ही जमा किया, 4,000 शॉर्ट पड़ा तो 4,000 का 10% कितना 400 रुपया और 10,000 विच एवर इज हायर, इतना तुमको पेनल्टी लग गया। अगर तुम्हारा फ्रॉडलेंट इंटेंशन हुआ, पकड़ा गया कि तुम फ्रॉड कर रहे थे, तो 10,000 और 100% ऑफ द टैक्स शॉर्ट पेड विच एवर इज हायर। नॉर्मली लेट पेमेंट पे 18% इंटरेस्ट लगता है पर एनम, और अगर तुम रॉन्ग ITC क्लेम कर लिए, बाद में पकड़े गए कि ज़्यादा ITC क्लेम कर रहे थे नकली बिल दिखा के, तो 24% करके इंटरेस्ट लगेगा। वो ITC तो तुमसे वापस लेगा ही, प्लस जितना दिन तुम वो ITC खाए थे, मान लो तुम्हारा 6 महीना पुराना ITC अब पकड़ा गया, तो 6 महीना उस वैल्यू के ऊपर 24% पर एनम करके ब्याज लगेगा, यानी 12% ब्याज लग जाएगा 6 महीने। तो अगर नॉर्मली GST पेएबल बाकी रह गया तो 18% ब्याज, और इनपुट ज़्यादा खा लिए, इनपुट ज़्यादा क्लेम कर लिए या रॉन्ग क्लेम कर लिए, उस पर 24% पर एनम का ब्याज, पेनल्टी अलग से 10,000 रुपीज़ और 100% ऑफ द टैक्स शॉर्ट विच एवर इज हायर। अगर ये फ्रॉडलेंट है तो, फ्रॉड नहीं है तो 10,000 और 10% ऑफ द टैक्स पेड विच एवर इज हायर। ये बात क्लियर है? आखिरी थ्योरी का बात आज के लिए, फिर सम्स की तरफ बढ़ रहे हैं। रिटर्न फाइलिंग, GST का रिटर्न फाइलिंग कैसे, उसके बाद RCM आ जाएगा, बस RCM आएगा, और हमको एक पेज का नोट्स यहाँ मिसिंग है सप्लाई ऑफ GST बोल के, वो हम एक या दो पेज का नोट्स और बना लेगा, तो वो दो पेज और RCM और आपका GST का नोट्स खत्म, फिर सम्स की तरफ मूव करेंगे। रिटर्न फाइलिंग ऑल इलेक्ट्रॉनिकली, GST रिटर्न ऑनलाइन फाइल होता है आज की डेट में पूरा। अगर तुम 1.5 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर पे हो तो तुमको मंथली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, और अगर 1.5 करोड़ से कम हो तो, या 2.5 करोड़ हो तो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने पड़ेगी। 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगर तुम मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हो तो अगले महीने के 10 तारीख, अभी 10 को 11 पढ़ना, अब एक दिन का डेट एक्सटेंड हो गया, 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक तुमको GSTR 1 फाइल करना पड़ेगा। GSTR 1 आउटवर्ड सप्लाई के लिए, सेल के लिए होता है, तुम जितना माल बेचे जून में, 11 जुलाई के अंदर GSTR 1 फाइल करो, उसमें दिखा दो। जितना माल बेचे अक्टूबर में, नवंबर 11 तारीख के अंदर रिटर्न फाइल करो, अगर तुम मंथली वाला में फॉल कर रहे हो। मंथली वाला में कौन होगा, जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है, जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है वो क्वार्टरली ऑप्शन ले सकता है, ये ऑप्शन है, लेना चाहो लो नहीं तो मत लो, जनरली नहीं लेना चाहिए, क्वार्टरली में बहुत झमेला है, तुम्हारा पार्टी ITC क्लेम नहीं कर पाएगा जब तक तुम क्वार्टरली रिटर्न नहीं लगाओगे। अब तुम 3 महीना रिटर्न नहीं लगा रहे हो तो तुम जिससे सामान जिसको बेचे हो वो इनपुट क्लेम नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम अपना रिटर्न फाइल नहीं किए तो वो भी इनपुट क्लेम नहीं कर पाएगा, इसीलिए क्वार्टरली रिटर्न नहीं लगाना ही बेटर, बट ऑप्शन दिया है गवर्नमेंट। कंपोजिट वालों के लिए तो है ही, अदर देन कंपोजिट वाले भी जिनका 1.5 करोड़ के नीचे टर्नओवर है, उनको बोला गया आप क्वार्टरली कर सकते हो, तो क्वार्टरली में भी वही नेक्स्ट मंथ का, यहाँ 10 की जगह 13 तारीख हो गया, 10 की जगह 13 हो गया, वहाँ 10 की जगह 11, यहाँ 10 की जगह 13, क्वार्टर खत्म होते ही उसके नेक्स्ट मंथ के 13 तारीख के अंदर GSTR 1 फाइल कर दो। एक तो GSTR 1 हुआ, इसके अलावा GSTR 2 यह फाइल नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिक आता है, इसलिए इसको याद मत करो। GSTR 3 भी गम गए, GSTR 3 भी 20 तारीख के अंदर फाइल करना पड़ता है, अगर तुम मंथली वाले में हो, और क्वार्टरली वाले में हो तो 24 तारीख, अगर मंथली वाले हो तो 20 तारीख के अंदर, क्वार्टरली वाले हो तो 24 तारीख के अंदर अगले महीने का, अगर क्वार्टर है तो क्वार्टर खत्म होने के बाद वाला महीना, अगर मंथ है तो मंथ के खत्म होने वाले बाद महीना के 20 तारीख, क्वार्टर है तो क्वार्टर के खत्म होने के बाद वाले महीने के 24 तारीख के अंदर। कंबाइंड रिटर्न भी बोलते हैं इसको, जहाँ पे इनपुट आउटपुट दोनों का एडजस्टमेंट करके
जितना आउटपुट है उतना पेमेंट करके ये रिटर्न फाइल करते हैं। प्लस तुमको एक एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है GSTR 9 और एक है GSTR 9C, 9 एंड 9C। ये क्या है सर? GSTR 9 एनुअल रिटर्न है, पूरा साल जो 21-22 में सेल परचेज की हो, इनपुट आउटपुट सब पूरा दोबारा एक बार रिटर्न फाइल कर दो GSTR 9 में। सर ये कंपल्सन है? नहीं सर। किन के लिए कंपल्सन है? ये जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर है, सॉरी जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है, सॉरी जिनका टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर है उनको GSTR 9 फाइल करना कंपलसरी है, और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उनको GSTR 9C फाइल करना कंपलसरी है। सर 9C क्या है? 9C में ऑडिट होता है पूरा, मतलब तुमको GST का भी पहले ऑडिट करवाना पड़ेगा चार्टेड को बुला के, फिर GSTR 9C फाइल होगा। और GSTR 9 बिना ऑडिट का है पूरा साल का, ये दोनों ही एनुअल रिटर्न। ये क्लियर है सबको? हम यहाँ पे थ्योरी स्टॉप कर रहे हैं, अब हम प्रैक्टिकल समझा रहे हैं थोड़ा सा स्क्रीन। ये वाला हम लोग उस दिन कर लिए थे, ये वाला भी हम लोग उस दिन कर लिए थे, ये वाला करके अच्छा समझ। इनपुट आउटपुट का एडजस्टमेंट वाला ही समय बेटा, इनपुट आउटपुट का एडजस्टमेंट वाला समय। मिस्टर एक्स परचेज गुड्स फ्रॉम वाई ₹4,20,000 इंक्लूडिंग 5% GST एंड सोल्ड गुड्स टू जेड आफ्टर एडिंग 20% मार्जिन, फाइंड आउट हाउ मच GST इज पेएबल बाय मिस्टर एक्स। सर CGST SGST IGST कुछ नहीं पता, नहीं पता तो एक बार खाली GST बोल के नहीं। तो आउटपुट GST कितना है मेरा? 4,20,000 का सामान पे हम 20% पहले मार्जिन जोड़ते हैं अपना, फिर उसको सेल कर रहे हैं 5% GST लगा के। तो 4,20,000 का 20% कितना होगा सर? ऑल ओवर टोटल 5,04,000 होता है। हाँ 20% जोड़ने के बाद 5,04,000 आ रहा है। नहीं गलती हुआ मेरा, पहला बात तो ये 4,20,000 में 5% GST इंक्लूडेड है ना, तो हमको विदाउट GST का फिगर निकालना पड़ेगा। उस पर प्रॉफिट ऐड करके बेचता है ना वो, GST पे थोड़ी प्रॉफिट ऐड करके बेच देगा। तो 4,20,000 अपने आप में 105 है, तो 100 कितना होगा? वैसे ही 3,99,000। हाँ नहीं 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 ठीक है, हाँ 4 लाख आ रहा है ना राउंड फिगर में, 3,99,999 आ रहा है ना। 4,20,000 डिवाइडेड बाई 105 इंटू 100 करो, फोर लाख आ रहा है तुम्हारा कॉस्ट या सेलिंग प्राइस और परचेज प्राइस मतलब, और GST आ रहा है 20,000 अलग से, है ना। तो यहाँ पर 5% निकाल के हम अलग कर दिए पहले 80,000। अब 4 लाख पे हम 20% प्रॉफिट कमा के आगे माल बेचते हैं, 4 लाख का 20% 80,000, 4,80,000 में हम सामान को आगे बेच दे रहे हैं। उस पर कितना GST लगा रहे आउटपुट पे? फिर 5%, तो 4,80,000 का 5% 24,000 GST हम पार्टी से ले रहे हैं। 20,000 GST का मेरा इनपुट है, तो 24,000 का आउटपुट, 20,000 का इनपुट, तो 4,000 का GST पे। इस टाइप का सम्स एग्जाम में आता है कि आपको आपका परचेज प्राइस दे दिया इंक्लूडिंग GST, अब आप उसमें से GST सेग्रीगेट करो और आपका परचेजिंग प्राइस अलग करो, फिर उस पर अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ो, अब उसको GST लगा के आगे बेचो और फिर इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट। क्लियर है ये सम? यस सर। ये भी अच्छा सम्स है। मिस्टर अजय ऑफ दिल्ली सोल्ड गुड्स टू मिस्टर संजय ऑफ कोलकाता एट अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 30%,
Such goods he purchased from local market 47,20,000 inclusive of all. यानी जीएसटी मिला के वो 47,20,000 में गुड्स खरीदता है. रेट ऑफ जीएसटी बोला 18% है. फाइंड आउट हाउ मच जीएसटी इज पेएबल बाय मिस्टर अजय विच गवर्नमेंट विल गेट अमाउंट ऑन जीएसटी. मतलब गवर्नमेंट को कितना जीएसटी मिलेगा मिस्टर अजय से. तो 47,20,000 118% है इंटू 100% कर लो तो कॉस्ट आ जाएगा और जीएसटी अलग हो जाएगा. तो कॉस्ट कार है 40,00,000 और ये बेचा कहाँ गया? कोलकाता टू कोलकाता. तो सी जीएसटी तो टोटल 7,20,000 जीएसटी हो रहा है. आधा आधा बांट दो 360 360. अब उस पर वो 30% मार्जिन ऐड करता है तो 40,00,000 का 30% 12,00,000 तो 52,00,000 में वो आगे बेच रहे हैं. 18% जीएसटी लगा के 52,00,000 का 18% 9,36,000 का जीएसटी आउटपुट पे क्लेम कर रहा है. उसमें से 360 360 यानी 720 एडजस्ट कर ले रहा है. बाकी 2,16,000 वो गवर्नमेंट को जमा देगा. देखो पेएबल बाई इलेक्ट्रॉनिक कैश लीजर यानी इतना रुपया उसको कैश में पहले या मतलब ऑनलाइन पहले पोर्टल पे जमा करना होगा उसके बाद वो उसका एडजस्टमेंट करे. क्लियर है? यहाँ सेकंड क्वेश्चन पूछा था गवर्नमेंट को टोटल कितना जीएसटी मिलेगा. तो गवर्नमेंट को टोटल ये 9,00,000 कितना मिल रहा है 9,36,000 जीएसटी टोटल मिल रहा है गवर्नमेंट को. 2,16,000 ये प्लस 360 360 ये मतलब टोटल 9,36,000 जीएसटी गवर्नमेंट को मिल रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है, ये हम सॉल्व नहीं करवा रहे हैं. ये अच्छा समझा. एक्स फर्निश यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. इनपुट परचेज 1,00,000 रुपया का जिसपे जीएसटी रेट है 12% इंटरेस्ट रेट है मतलब विद इन द सेम स्टेट है. 1,00,000 का खरीदे हैं 12% जीएसटी वाला. इनपुट सर्विस हायर्ड सर्विस खरीदे हैं इंटरेस्ट रेट वो भी 2,00,000 रुपया का जिसपे भी 18% जीएसटी है. कैपिटल गुड्स भी खरीदे हैं इंटर स्टेट मतलब दूसरे स्टेट से मशीन खरीदे हैं 2,00,000 रुपया का 12% रेट वाला. अब आता है मजेदार बात. 40% ऑफ द इनपुट लाइंग इन स्टॉक. 40% इनपुट इसमें से बिका नहीं इसका क्या होगा? हम टोटल 1,00,000 रुपया का सामान खरीद के लाए हैं उसमें से 40% बिका नहीं है तो उस 40% के जीएसटी का क्या होगा? बोलो बोलो अपने आइडिया पे बोलो. अरे ट्राई तो करो. जब बिकेगा तब क्लेम करेंगे. ठीक है हमको एक आंसर मिला जब बिकेगा तब क्लेम करेंगे. और कोई? पवित्र वासिक सुदीप तो स्वप्निल आंसर करो. कमाल है क्लास रखवाने का मतलब ही क्या हो रहा है जब मुंह बंद करके बैठना. बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता क्लोजिंग स्टॉक पे है क्लोजिंग स्टॉक बचा है कि नहीं बचा है. तुम सीधा सीधी इनपुट आउटपुट को एडजस्ट कर लो. इनपुट क्लोजिंग स्टॉक का इनपुट अलग से रोक के रखने का कोई जरूरत नहीं. यही बात इस सब में समझाना चाहते थे कि जो स्टॉक बच जाए उससे कोई टेंशन लेने का तुमको जरूरत नहीं. तुम अपना नॉर्मल आउटपुट इनपुट को एडजस्ट कर लो. इस सब में ये ब्लफ था कि स्टॉक बच गया कोई फर्क नहीं पड़ता. हम अलग अलग नहीं कर सकते बेटा कि जो माल बिका उसका इनपुट इतना जो माल बच गया उसका इनपुट इतना. हम सेपरेट इनपुट रिकॉर्ड कैसे करेंगे? मेरा तो सारा इनपुट आई जीएसटी मिक्स हो जाएगा ना लास्ट में. अगर हम 10,00,000 का मतलब जब वो बोलो बोलो जब वो बिकेगा तब हम लोग उस पे जीएसटी मतलब नहीं कैलकुलेट करेंगे. मान लो उस समय और कुछ परचेज किए होंगे उसका इनपुट क्लेम कर लेंगे.
मतलब तुम लोग जो तुम्हारा जो मन में आया ना, इनपुट आउटपुट को आपस में मैच कराने का कोई दरकार नहीं, इस किस प्रोडक्ट का इनपुट इतना है तो इसी प्रोडक्ट का आउटपुट से एडजस्ट करेंगे, ऐसा कोई नियम नहीं। एक बात बोलो ना बेटा, मेरा अगर मेरा कंज्यूमर स्टोर है तो मेरा तो 500 रकम का आइटम होगा, सॉस, आटा, दाल, चावल, बिस्किट, मैदा, ये वो, मतलब क्या क्या आइटम नहीं होगा। हम किसका इनपुट किससे एडजस्ट, अगर सेम आइटम का इनपुट को सेम आइटम का आउटपुट से एडजस्ट करने के लिए रोक के रखेंगे तो ये तो नामुमकिन हो जाएगा मेरे पास मैच करवा। हम बुक्स में कैसे इतना सारा इनपुट को अलग से रिकॉर्ड करके रखेंगे, है ना। इसीलिए कोई मैचिंग कराने का दरकार नहीं है, उस महीना का टोटल इनपुट उस महीना का टोटल आउटपुट से एडजस्ट कर लो। तो यहाँ पर आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया था ये बात। अब आपको बोला आप इंटरेस्ट रेट भी माल बेचे हो और इंटरेस्ट रेट भी माल बेचे, तो पहला कॉलम क्या बनाएंगे, आउटपुट जीएसटी का, उस दिन सीखे थे तो पहले वो लिखो कि तुम्हारा इंटरेस्ट रेट परचेज सॉरी इंटरेस्ट रेट सोल्ड कितना है, 5 लाख का 12%, तो 5 लाख का 6% करके 30,000 बांट दिए। इंटरस्टेट सोल्ड कितना है, 2 लाख का, तो 2 लाख का 18%, क्योंकि ये इंटरस्टेट है मतलब IGST लगेगा, तो 2 लाख का 18% 36,000 इंटरस्टेट सोल्ड लिख के रख ली। तो टोटल IGST 36,000 आउटपुट है, CGST 30,000 आउटपुट है, SGST 30,000 आउटपुट है। अब वैसे ही इनपुट का भी टेबल बना लेंगे, इनपुट मेरा 1, 2, 3 है, एक सर्विस परचेज की है, कुछ गुड्स परचेज की है और मशीन भी परचेज की है, तो तीनों का इनपुट लिख लेंगे। 1 लाख का 6% 6,000 जो इंटरेस्टेड परचेज है गुड्स का, सर्विस भी इंटरेस्टेड है, तो 3 लाख का 18% था तो 9% करके बांट दिए, और कैपिटल गुड्स इंटरेस्टेड था तो 2 लाख का 12% 24,000, तो इतना इतना इनपुट भी क्लेम करना। अब यहाँ पर ये इनपुट माइनस आउटपुट एडजस्ट कर लेंगे। 36,000 का जो मेरा IGST है और 24,000 का IGST का इनपुट आपस में एडजस्ट हो जाएगा। 12,000 का अभी भी IGST पेबल है, इधर में 27,000 और 6,000 का CGST है, पहले इस 12 को जीरो कर लो, इससे CGST से भी एडजस्ट कर लो, IGST पूरा जीरो हो गया। CGST अभी भी कितना देना है गवर्नमेंट को, 30,000, और CGST का एडजस्टमेंट अभी भी मेरे पास कितना बच सकता है, 33 में से 12 गया 21,000, तो इस 30,000 में से 21,000 बच गया जो CGST वो एडजस्ट करेंगे और 9,000 का CGST गवर्नमेंट को जमा कर देंगे, और ये 30,000 जो SGST है इस 33 से एडजस्ट करेंगे इनपुट से, और 3,000 का मेरा ITC क्लेम रह जाएगा, वो बाद में करेंगे। तो 3,000 का SGST का इनपुट क्लेम कैरी फॉरवर्ड हो गया, 9,000 का CGST गवर्नमेंट को जमा कर देंगे और IGST पूरा जीरो हो गया। ये सम समझ में आया, ये अल्टीमेट सम था। नहीं समझता, हम यही रोक रहे हैं, नेक्स्ट डे नया टॉपिक जाएगा फिर उसके ऊपर समझाएगा।